हाई गाइस, आई एम दिव्या एंड वेलकम टू माई चैनल एस्थेटिक दिव्या। तो आज हम एक स्टाइलिंग वीडियो करने वाले हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं जो हमारे घर में ऑलरेडी होती है। तो वो सारी चीज़ें यूज़ करके हम कैनोपी सेटिंग बनाने वाले हैं। एक कैनोपी सेटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। मैंने इसे जो भी चीज़ें मेरे पास घर में ऑलरेडी है वही यूज़ करके बनाया है एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आपके घर में भी होगी। मैं बीच बीच में कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी आपको सजेस्ट करते जाऊँगी, सो दैट अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है तो उससे रिलेटेड कुछ हैं तो आप इस टाइप का कुछ कर पाएँ। तो मुझे तो ये ज़ीरो बजट का पड़ा है एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इसे ज़ीरो बजट में आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं बालकनी में, मतलब बालकनी में ही अभी, बट काम शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करने वाली हूँ, तो मैंने इस प्लेस को प्रॉपरली क्लीन कर लिया है एंड एम्प्टी भी कर लिया है। तो मैं कुछ दुपट्टे ले रही हूँ और उन्हें मैंने साथ में टाई कर लिया है। अगर आप दुपट्टे नहीं लेना चाहते हैं तो आप पुरानी साड़ी भी ले सकते हैं या कर्टन्स भी ले सकते हैं। मार्केट में जो रेडीमेड कैनोपीस मिलती है अराउंड 1000-1500 की मिनिमम, आपको वो बाय करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ सारे दुपट्टे को रबर बैंड से टाई कर दे रही हूँ एंड मैं जो एग्जिस्टिंग नेल है वॉल पे उसे ही यूज़ करना चाहती हूँ। तो मैं एक रोप यूज़ कर रही हूँ, उसका एक एंड मैं रबर बैंड पे टाई कर रही हूँ एंड दूसरा एंड नेल पे टाई कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर दरी यूज़ कर रही हूँ, आप चटाई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं मैट्रेस डालूँगी, प्रॉपर रुई वाला गद्दा मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सिंगल बेड वाला मैट्रेस है एंड मैंने इसे बीच से फोल्ड करके हाफ कर दिया है। जो रुई वाले गद्दे होते हैं वो ईजिली फोल्ड हो जाते हैं एंड इसके ऊपर कोई भी सॉलिड कलर की बेडशीट डाल लेना है। अगर आपको कलर्स एंड प्रिंट्स पसंद है सो गो अहेड। मैं ये सेटअप बालकनी में कर रही हूँ बट आप कहीं भी कर सकते हैं, लिविंग रूम में कर सकते हैं अपने, आप फ्लोर सेटिंग क्रिएट कर सकते हैं लिविंग रूम में या बेडरूम में। इनफैक्ट आप ये अपने बेड पे भी ये कैनोपी सेटअप कर सकते हैं एंड इसके ऊपर बस कुछ कुशन्स डाल देने हैं टू मेक इट मोर कम्फर्टेबल। एंड मैं यहाँ पे एक रनर यूज़ कर रही हूँ एंड उसके ऊपर एक ट्रे रख दूँगी सो दैट इट विल लुक मोर वेलकमिंग। ये रनर आपने मेरे लिविंग रूम टूर वीडियो में देखा होगा, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये टेबल भी आप पहले मेरे गेस्ट रूम मेकओवर में देख चुके हैं एंड ये एक नॉर्मल किड्स स्टडी टेबल था डोरेमोन वाला और उसके ऊपर मैंने वॉलपेपर लगा दिया है। एंड अब मैं ये एक लैम्प यूज़ करूँगी, ये भी आप मेरे DIY बालकनी वीडियो में देख चुके हैं। ये जो प्रीत लिखा है ये भी मैंने DIY खुद किया है एंड इसके ऊपर जो एक फ़ोटो फ्रेम था वो भी उस वीडियो में मैंने शेयर किया है। यहाँ साइड में मैं ये एक क्रेट यूज़ कर रही हूँ, इसे मैंने वाइट पेंट कर दिया है। इसे मैं एज अ साइड टेबल यूज़ कर रही हूँ सो दैट वी कैन पुट अवर मोबाइल और स्पेक्स हियर। और मैं यहाँ पे कुछ निकनैक्स एंड कैंडल्स रख रही हूँ। ये जो एक बड़ी ग्लास की बॉटल रखी है मैंने, ये जो मेरे एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल है, आई यूज़ माई किचन एम्प्टीज। नाउ इट्स टाइम फॉर द फाइनल रिवील गाइस। ये सेटअप मैंने हमारे एनिवर्सरी डिनर के लिए किया था, 10th of July को हम लोग की एनिवर्सरी थी एंड ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं था बट देन मैंने सोचा कि मैं इतना सब कुछ कर ही रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर कर ही देना चाहिए। मैंने इसे बहुत फन और वाइब्रेंट वे में स्टाइल किया है। मैंने नॉर्मली जितने भी कैनोपी सेटअप देखे हैं वो सॉलिड कलर में देखे हैं, वाइट या पेस्टल कलर्स में। तो इट्स टोटली अप टू यू, मिक्स एंड मैच करो, ट्राई करो। एंड अगर आप साड़ी या कर्टेन यूज़ करते हैं तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज होगा कि यू कैन इंक्रीज इट्स हाइट अकॉर्डिंग टू यू। एंड मैंने यहाँ दुपट्टों के पीछे फेरी लाइट भी लगा दी थी, उसकी फुटेज मेरे पास नहीं है। एंड टाड़ा, योर कैनोपी सिटिंग अरेंजमेंट इज रेडी। इट्स वेरी सिंपल, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, येट वेरी एस्थेटिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, दिस इज़ अ शॉर्ट वन और मैंने स्टाइलिंग वीडियो ट्राई किया है फर्स्ट टाइम। लेट मी नो कैसा लगा। एंड आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपको वीडियो अच्छा लगा है
लाइक कर दीजिए एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग. चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय बाय.